दोस्तों पूजा की सामग्री देख लेते हैं कि माता लक्ष्मी की प्रतिदिन जो हम 16 दिनों की पूजा करेंगे उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो जो आपके घर में इस तरह से ये है इसको आप रख लीजिए, इसमें हल्दी है, प्रतिदिन माँ को हल्दी लगाएंगे। ये कुमकुम है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे इस तरह से, ये रोली है, इसी को पानी में घोल लीजिए, इसका भी टीका माँ को लगाते हैं। और यहाँ पर ये सिंदूर है, तो ये प्रतिदिन आपको माँ के पूजा में इस्तेमाल करनी है। साथ ही इत्र बहुत ही प्रिय है, तो प्रतिदिन आप इसी कॉटन में जो आपका ये रुई है इसे में लगा के आप माँ को इत्र लगा सकते हैं। और साथ ही धूप बत्ती, अगरबत्ती जो आप जलाते हो, आरती के लिए हमें कपूर चाहिए, ये आप ले लें। साथ ही ये अक्षत है, प्रतिदिन हमें पूजा में अक्षत की आवश्यकता होगी। हमने यहाँ पे कलर किया है, तो ये मेरा गुलाबी रंग का है, आप चाहें तो पीले रंग यानी हल्दी से कलर कर लें, या आप सफ़ेद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अहम ज़रूरी है मौली, ये है कलावा जिसे आप देख सकते हैं, इस तरह से पाउच में भी आता है, ये इसके अंदर इस तरह से होता है, आप इसे ले लें या फिर सिंपल जो कॉटन वाला आता है ये ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। ये मौली के धागा बहुत ज़रूरी है, पहले दिन 16 गांठें इसमें लगाकर अपने हाथों में कलाई में इसे बांधा जाता है, उसके बाद आप माँ के चरणों में रख दें, जब भी पूजा करें तभी इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो ये सारी बेसिक सामग्री है जो कि हमें प्रतिदिन काम लगेंगी पूजा में, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले ही दिखा दूँ। ये आरती का सामान है, यानी कि एक आपको इस तरह से दीप ले लेना है, उसके अंदर रुई आप डाल लीजिए और उसमें घी डालेंगे, और जब भी हम पूजा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, तो इससे घी के दिए से हम माता रानी के पास जब तक पूजा करेंगे तब तक हमारा ये घी जलेगा, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। आप चाहें तो अखंड दीप भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन आप सिर्फ दीप जलाकर मंत्रों का जप करके भी माँ का आवाहन कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आरती के लिए इस तरह से पंचदीप है तो आप ले लें, वरना मिट्टी के दिए जो आते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम मिट्टी के दिए ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप मिट्टी के दिए ले जा सकते हैं। और ध्यान रखें कि जब भी हम मिट्टी के दिए इस्तेमाल करते हैं तो एक ही बार इसमें हमें दीप लगाना है, तो इसको आप प्रतिदिन चेंज करेंगे इस तरह से। और कई लोगों ने ये पूछा था कि क्या हम 16 दिए प्रतिदिन लगाएंगे, तो 16 दिया आपको प्रतिदिन नहीं लगाना है, एक दिया आप ले लें और इस तरह से करके 16 बारी आपको आरती कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से 16 बारी आप घुमा दें, वो 16 बार हो जाता है। अब 16 बारी आप आरती पढ़ेंगे, 16 दिए, लास्ट वाले दिन आपको 16 दीपों की आरती करनी होती है, ठीक है। ये प्रतिदिन की पूजा हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको आसानी हो। प्रतिदिन घंटी आप ले लीजिए पूजा में बजाने के लिए, माचिस आपको चाहिए ही, कपूर की आरती आप करें और घी के दिए की, दो चीज़ों की आरती बहुत ही अच्छी होती है। ये सभी चीज़ें आपने रख ली, अब हम देख लेते हैं कि हमें श्रृंगार में क्या क्या लेना है और भोग प्रसाद में। तो श्रृंगार की सामग्री है, तो पहले दिन ही आपको ये सभी चीज़ें चाहिए, तो एक माता रानी को उड़ाने के लिए आपको चुन्नी ले लीजिए, और यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियों में कई लोगों ने पूछा था कि किस कलर की चाहिए, तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं आपके पास। जैसे ये मेरी अभी हमने सावन में ख़रीदा था तो ज़्यादा ख़रीद लिया था, तो ये हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, पीले रंग की, कोई भी कलर की चूड़ियाँ आप ले सकते हैं। और यहाँ पर शीशा, कंघा, और ये है रुमाल। 16 श्रृंगार की ज़रूरत होती है, बिंदी है, मेहंदी, और यहाँ पर ये लिपस्टिक, सिंदूर, और ये सारी चीज़ें, ये तेल है। तो आप सभी चीज़ें माँ को अर्पित करें। इत्र भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है, तो आप इत्र भी रख कर कर सकते हैं। और वही बात ये तांबूल की है, तो पान भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैंने लौंग रखा है, और ये इलायची है, और यहाँ पर हल्दी की गांठ है। तो पहले दिन पूजा में आपको पान चाहिए, सुपारी चाहिए, और हल्दी की गांठ चाहिए, ये सभी चीज़ें हम रखेंगे। और प्रतिदिन आप धूप दीप जलाएं, मंत्रों का जप करें, पाठ करें, शुद्ध गंगा जल आपको चाहिए, गुलाब चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करते हुए दीप का नमस्कार कर लें, प्रज्वलित कर लें, और उसके बाद 2 लौंग आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। इस तरह से जैसे प्रतिदिन लोग तांबूल नहीं लगा पाते हैं पान के पत्ते का, तो आप सिर्फ 2 लौंग ही माँ को चढ़ा दें, क्योंकि माँ के देवियों के पूजा में लौंग बहुत ज़रूरी होता है, और फूल वाले लौंग होने चाहिए। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आपको पूजा करनी है।
दोस्तों ये है भोग प्रसाद। तो यहाँ पर दूध से बनी मिठाइयाँ आप ले लीजिए, अपने घर में भी बना सकते हैं, आप मार्केट से भी मंगा कर। वैसे मैंने कलाकंद की बर्फी जैसे बोली थी तो कई महिलाओं ने पूछा था तो क्या मैम सफ़ेद बर्फी नहीं लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास यदि चांदी की प्लेट है तो वो ले लें। माँ को वैभव चीज़ें पसंद है तो इसलिए खूब भरपूर आप माँ को वैभवयुक्त चीज़ें उन्हें ज़रूर भेंट करें। और यहाँ पर ये मौसमी फल है तो सेब है, केले हैं, अनार है, ये कोई भी माँ को आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनार, अगर अनार नहीं मिलता है तो ये आप ले लें। और एक फल इस तरह से 16 बारी आपको अर्पित करना होता है भाव से। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन आपको पूरा 16 दिन 16-16 ही चीज़ें चढ़ानी है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि इतना हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों माला फूल देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको गुलाब के पुष्प लेने हैं, कमल के मिल जाएँ तो वो भी आप ले लें, बिलपत्र आप ले लीजिए, और ये दूर्वा घास है भगवान गणेश की पूजा के लिए। और दोस्तों गणेश पूजा के लिए पहले दिन आपको जनेऊ भी लेना होगा। तो ये जनेऊ है आप देख सकते हैं, पहले दिन आप चढ़ाएं और आखिरी वाले दिन, प्रतिदिन आपको नहीं चढ़ाना है। तो ये यहाँ पर रख लेते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था कि मैम गुलाब का पुष्प ना मिले तो हम क्या सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल आप सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। वैसे प्रिय माँ को गुलाब के ही है और कमल के, तो यदि हो सके तो आप प्रयास करें कि गुलाब के पुष्प आप ले लें। अब यदि आपके पास 16 पुष्प इस तरह से मिल जाएँ तो 16 ले लें दोस्तों, नहीं तो एक ही पुष्प की पंखुड़ियों को इस तरह से तोड़कर, ये जो पंखुड़ियां हैं ये तोड़कर इस्तेमाल की, और भी कोई फूल तोड़ा नहीं जाता लेकिन गेंदे का और गुलाब का पुष्प हम तोड़कर चढ़ा सकते हैं। तो ये जो पंखुड़ियां हैं इसे 16 ले लें और इसी से, और पता है ये जो पंखुड़ियों हैं इससे आप श्री यंत्र का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस तरह से पंखुड़ियां सारी तोड़ के रख लें और माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए इस तरह से अभिषेक भी किया जाता है पुष्पों से। दीपावली पे मैंने करके दिखाया था। और ये दूर्वा घास है। बिलपत्र आप 16 यदि ले सकती हैं तो 16 ले लें, अगर एक बिलपत्र है तो उसको भी बार बार धो के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को बिलपत्र बहुत ही प्रिय और इन दिनों में बिलपत्र की बहुत महिमा है। तो ये आप जो फूल है इसे आप एक साथ करके रख लें। दोस्तों हम माला देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जप माली चाहिए, इस तरह से आपके पास ज़रूर होगी। यदि ये नहीं है तो आप कपड़े से ढककर इस तरह से अपने हाथों को ढक लें और उससे भी माला जप कर सकते हैं। तो ये एक जप माली ले लीजिए, और साथ ही ये कमलगट्टी की माला है, मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने अभी न्यू लिया है, हर बार मेरा टूट जाता है दोस्तों। और ये स्फटिक की माला है। तो जैसे मान लीजिए अभी आपके पास ये नहीं है तो इससे भी आप जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप स्फटिक की माला पर भी की जा सकती है। यदि ये भी नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास नहीं है तो लाल चंदन की माला ले लें। अगर लाल चंदन की भी माला नहीं है तो आप उंगलियों पर जप कर सकते हैं, लेकिन उंगलियों में बहुत ज़्यादा ध्यान हमारा काउंटिंग में होता है इसलिए मंत्र का प्रभाव उतना नहीं होता है, इसीलिए माला की हेल्प ली जाती है। तो इस तरह से ये ले लें। अब पुस्तक की हम बात करें तो दोस्तों हम हमेशा कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं, और वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक हम इसलिए लेकर आए हैं कि आपके पास चित्र नहीं है तो आप इसको भी रख सकते हैं। और यहाँ पर श्री यंत्र है तो आप इस तरह से इनकी प्रतिमा, यदि गज लक्ष्मी हाथी की प्रतिमा आपको नहीं मिलती है तो इनका भी रख के आप पूजन कर सकते हैं। और प्रतिदिन ये देखिए, आपको मैं एक विशेष चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि जब भी हम व्रत रहते हैं तो जूठे ब्रश को नहीं किया जाता है, तो हम लोगों के यहाँ इस तरह से ये पता है ये अमरूद की डंडी है और इसे दातून कहते हैं, और कभी कभी महुए की या फिर आम की भी मिल जाती है या फिर नीम के उसकी मिल जाती है। तो कोई भी इस तरह से यदि आपको दातून यानी कि ब्रश, ये देसी तरीके का ब्रश है तो ये हम लोग ब्रश जूठा मुंह में नहीं डालते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और टंग क्लीनर तो साबुन से धो के जैसे बर्तन मांजते हैं उस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो ये व्रत में ज़रूर आप इसे अरेंज कर लिया करिए, जहाँ पे फूल माली फूल देते हैं वो लोग इसे दे देते हैं, तो आप इसे ले लें। इसे बीच से कट के ये 2 दिनों के लिए इस्तेमाल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लें और प्रतिदिन माता महालक्ष्मी की पूजा दोनों समय सुबह भी करें और शाम को करें। यदि इतना समय नहीं है तो आप सुबह बस जल अक्षत पुष्प दीप जलाकर माँ को नमस्कार कर लें और अपने काम पे जाएं, शाम के समय आकर
स्नान ध्यान करने के बाद विधिवत तरीके से माँ की पूजा करें। देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लकड़ी की चौकी ली है, उसके ऊपर हमने हरे रंग का कपड़ा बिछाया है। और दोस्तों आपको दिखाएं हमारे ये इस कपड़े में भी आपको ये गज यानी कि हाथी बने हुए, इसलिए मैंने इस कपड़े का चुनाव किया था। वैसे मैं लाल या पीला रंग का इस्तेमाल करती हूँ और इसके ऊपर मैंने गुलाबी रंग से स्वस्तिक बनाया है, बहुत ही शुभ होता है। तो स्वस्तिक का निशान आप हल्दी से, कुमकुम से, किसी भी चीज़ से आप बना दें। और यहाँ पे मैंने ये कलश की स्थापना की है। कलश कैसे बनाते हैं वो हम आपको पूजा करते समय ज़रूर दिखाएंगे। और बीच में ये मैंने गौरी गणेश बनाई है और गौरी माता मैंने हल्दी से तैयार की है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मैम हमारी हल्दी की गौरी 16 दिनों तक नहीं चलती है, टूट जाती हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, घी डाल के मिक्स करें, उसके बाद हल्का सा पानी का छींटा देते हुए आप इस तरह से गौरी जी बनाएंगे तो आपकी गौरी कभी नहीं टूटेंगी। और यदि गाय का गोबर मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे सुपारी आप देख सकते हैं, ये सुपारी पर भगवान गणेश है। ये माला है जो कि 16 गांठों वाली है जो हमने पूजा करते समय रखना है। यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित करना है, ये घी के दिए हैं, इसी में हमें प्रज्वलित करना है। यहाँ पे पूजा के लिए जल है और छिड़काव करने के लिए कुछ घास मैंने लिया है, आप चाहें तो आचमनी ले लें या फिर आप पुष्पों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा से हमारे दीपों को कोई नुकसान ना पहुँचे इसलिए मैंने ये कवर भी लिया है, इसको यहाँ पे इस तरह से लगा के देख सकते हैं। ये है श्री यंत्र और यहाँ पे है माता रानी स्वयं विराजमान है कमल के पुष्प पे। ये यहाँ पे गज है और माँ को स्नान करा रहे हैं। और इधर मैंने कलश रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये श्री कलश है। नीचे आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बनाए हुए हैं और इन्हीं के ऊपर विराजमान किया है। और ये स्वस्तिक का निशान, गले में धागा, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। हल्दी कुमकुम का टीका आप इस पर भी लगा दें, लाल कपड़े से आपको इसे कवर कर देना है या फिर मौली के धागे से। तो इस तरह से आप पूरी चौकी तैयार कर लें। और पूजा की शुरुआत हमें कैसे करनी है, क्या है, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।